सुगी सर आज फिर से लेट हो गए। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरे राज्य के क्या हाल चाल है? बकवास है, चलो स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं। हे क्या तू मुझसे लड़ेगा? अभी से क्या हो गया, लगता है पगला गया है। किसने चूहे मारने वाली दवा खा ली बताओ? सुगी सर की एंट्री सभी के होश बेहोश कर देगी। सुगी सर आपका स्वागत है, मैं गुड बड़ी। हाँ हाँ ये मुझे पता है। रसीला राकेश के साथ भाग गई, ये यहाँ पर किसने लिखा है? सर आप भूल गए, आपने ही तो कल लिखा था। अपने शटर पर ताला लगा। आरएम आपके सामने ही बैठा हूँ, दिखता नहीं क्या? जीनो बाबा। अरे कौन था ये तार्जन जिसे जंगल में जाने की आग लगी है बताओ? नेक्स्ट हो भी हड़बड़िया। क्या बना सुगी, हो भी हड़बड़िया आपकी सेवा में हाजिर है। नेक्स्ट गुड बॉय भी। यस सर। हाँ हाँ जंगकुक। मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या आलू के पराठे नहीं खा के आए हो? लेकिन सर जीके तो मूली के पराठे खाता है। हे तुम चुप क्यों हो, बताओ तो सर को। हाँ चलो अब अटेंडेंस हो गई है तो कुछ काम की बात करते हैं। आज सुबह हमें आर्मी के हेडक्वार्टर से काफी सारी चिट्ठियाँ मिली हैं। सर आर्मी ने क्या लिखा है बताइए जल्दी। हाँ हाँ तू बोलने देगा तो मैं बताऊंगा ना। आर्मी ने उस चिट्ठियों में काफी सारी कंप्लेंट लिखी हुई है, तो आज हम उस सभी को सॉल्व करेंगे और करेंगे चर्चा विचार। बस अब यही बाकी रह गया था। लेकिन सर आज तो आपने बोला था कि हम डोरेमोन देखने वाले हैं, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वी अपने खाली दिमाग पर जोर मत डालो, देखते हैं पहली कंप्लेंट कौन सी है। कंप्लेंट वो तो मैं सुबह ही पी के आया हूँ। BTS करेंगे आज चर्चा विचार ऑन आर्मीज कंप्लेंट। कंप्लेंट सबसे पहली कंप्लेंट हॉबी की तरफ से, आप इतने मजाक किया और इतने रोमांटिक क्यों हैं बताओ? जी वो तो मुझे भी नहीं पता। हे अगर झूठ बोलोगे तो सूअर की पिचकारी सीधा मुंह पर ही आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हॉबी सिर्फ आर्मी को ही पसंद करता है, इसी वजह से मैं इतना फनी हूँ। ओह लगता है मशीन खराब हो गया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लगता है सबको पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे ये तो मेरा और कैमरामैन का दोनों का प्लान था कि ऐसी कॉमेडी करेंगे ताकि सबको हंसी आए, है ना? सर ये BTS द्रोही है इसी। ठीक है अब दोबारा नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो। लगता है हमें बंदर और मदारी का शो स्टार्ट कर देना चाहिए। आ जाओ, तुम्हारे लिए स्टेडियम हमेशा खाली है। देखिए सर मेरे पास एक विचार है कि हमें आर्मी के लिए एक बड़ा सा स्टेचू बनाना चाहिए जिसमें सारी आर्मी आकर हवन करेगी और पूजा करेगी। इससे अच्छा तो हम आर्मी से फेस टू फेस मिल लेते हैं, ये बढ़िया आइडिया है। मैं RMKD से सहमत हूँ। मेरे ख्याल से हमें स्टेचू बना लेना चाहिए क्योंकि स्टेचू बनाने के बाद हम आर्मी के साथ रह सकते हैं और वो भी फ्री में। अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे किराए के पैसे बच जाएंगे। फिर उसके अंदर हम गेमिंग रूम और म्यूजिक रूम बनाएंगे। ये देखो आज तक पानी नहीं उबाला, तो क्या हम ये सारी चीजें नहीं हम इसे आर्मी के लिए जरूर बनाएंगे। देखो तो वो कितना झूठ बोल रहा है। हाय मुझे माफ कर दो, अगर वादा निभा नहीं सकते तो फिर बोलते ही क्यों हो? मुँह से बोलता हूँ और कहाँ से, तेरी तरह एलियन थोड़ी हूँ क्या मैं? तू देखता था जेके, मैं आर्मी के लिए पार्क बनाऊंगा। पिछले साल भी यही बोला था। हे इस बार मैंने क्या किया था? देखिए हमें आर्मी के लिए एक बड़ा सा चॉकलेट टावर बनाना चाहिए, जब भी आर्मी को भूख लगेगी तब वो चॉकलेट खा सकती है। कैसा आइडिया है ये? और हम एक नहीं बहुत सारे बनाएंगे अलग अलग फ्लेवर के, मतलब अलग अलग फ्लेवर के टावर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खास करके। अब पता चला जिमी ने सुअर को खरीद लिया है ना? बिल्कुल सही सोचा है हॉबी, थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना। मैंने क्या किया ये पूछ, तूने क्या नहीं किया? ये सब छोड़ो, हम एक चाय की लारी ही बना देते हैं आर्मी के लिए, इससे अच्छा शाम को वड़ा पाव कैसे रहेंगे? हे हम यहाँ पर खाने की बात करने नहीं आए हैं। ऐसा करते हैं जीनू, हम दोनों बाजू बाजू में दुकान खोल लेते हैं, तुम सोजू बेचना और मैं रोमन बेचूंगा, कैसा लगेगा? हाँ। फिर दोनों के पैसे मिलाकर एक नया ढाबा खोलेंगे। हे अब मैंने क्या किया? अरे उस बंदर को देखो। लगता है आज हॉबी बिना साबुन के ही नहा कर जाने वाला है, बताओ इसे। हे लेकिन पानी मीठा है। सर मेरे पास एक आइडिया है, हमें आर्मी के लिए आइसक्रीम बनानी चाहिए। हे रुको ये मैं बोलने वाला था, मैंने इसे लास्ट के लिए बचा कर रखा था। हाँ मुझे भी पता है। हे इन लोगों ने पैसे खा लिए हैं, ये मेरा आइडिया था, बताओ इन लोगों को, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर कल नहाते हुए इसने मुझे कहा था। तो इसका मतलब तुम दोनों साथ में नहाते हो, है ना? अरे ये आइडिया तो सुबह जाते हुए मेरे दिमाग में आया था। कहाँ जाते हुए बताओ? अरे मेरे बाजू में एक बुढ़िया रहती है, मैं वहाँ से रोज मिल्क लेने जाता हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
पहले होबी ने जाने की बात करी और अब बुढ़िया की बात कर रहा है। हाँ, ये बेवकूफ लीडर। ओह, इस बार तो मैंने झूठ भी नहीं बोला। तो इसका मतलब कब से झूठ बोल रहे थे है ना? देखिए सर, हमें आर्मी के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। हमें एक प्लेनेट बना देना चाहिए। उस प्लेनेट में BTS फ्लावर होंगे, काफी सारे सॉन्ग के एल्बम होंगे और वो सब बनाएंगे जो आर्मी को पसंद हो। ये आरएम लीडर शपथ लेता है कि एक दिन ये जरूर सच करेगा। ओह, तो मेरे बाबू को गुस्सा भी आता है। ओह, अब क्या मैं झोंक भी नहीं मार सकता? क्या झोंक ही तो मार रहा था। ये क्या था? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर, मेरे ख्याल से हमें एक शो चलाना चाहिए जहाँ पर आर्मी हमारे साथ आकर फोटो शूट करवा सकती है। ये बता कि तू दिन में कितनी फोटो खींचेगा? अरे इसका तो रूस का है, 2 फोटो खिंचवाने के बाद ये सो जाता है। बताओ। इस बार मैं अलग हूँ। लगता है सुबह का मुँह आजकल काफी चलने लगा है। उसका नहीं, तुम्हारा। इस पागल सुबह को कोई यहाँ से ले जाओ जल्दी। कॉन्सर्ट का आइडिया कैसे रहेगा बताओ? अरे बुद्धू, ये तो हम पहले से ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कम से कम नहाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ओह, अब मैंने क्या झूठ बोला? ओह, अरे अक्ल की अंधी, झूठ शब्द ही नहीं बोलना है। फ्री का शो यहाँ देखने को मिल रहा है। सर, मेरे ख्याल से हमें एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देनी चाहिए जहाँ पर BTS के बारे में सारी चीजें बताई जाएगी। कैसा लगेगा? ये तो जंगकुक बोला था, ये पहले का था। तुम दोनों सिर्फ हमारा वक्त खराब कर रहे हो। स्टैचू बनाना और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमें पैसे कौन देगा बताओ? तो फाइनली हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें कुछ भी नहीं बनाना है। वाह, अब जाकर राहत मिली। और रही बात कंप्लेंट की, तो आज रात को हम लाइव स्ट्रीम करके आर्मी को मना लेंगे मेरा स्टैचू बनाने का सपना। बिहाइंड द कैमरा। अरे जंगकुक, हमें माफ कर दो, कैमरे में तो उल्टा सीधा निकल जाता है, लेकिन दिल से तो हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, सभी पहले माफी मांगो। देखो तो इन लोगों को, ये जिमिंग साला कैसे बच गया। जंगकुक, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज हमें माफ कर दो। आज का खाना तू बाहर लेने जाएगा और मेरे बर्तन तू साफ करेगा, समझा? और मेरे खाने का क्या होगा? कुछ नहीं। वीडियो खत्म हो गई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो।